दो हमारे होमगार्ड शहीद हुए हैं और एक सिविलियन की भी डेथ हुई है, और जो जिन लोग अरेस्ट किए गए थे उनमें वीडियो के आधार पे हथियार प्रयोग किए गए हैं, उनसे भी उनकी बरामदगी करवाई गई। किस कमेटी किस समाज से है कुछ पता चला है? नहीं, ऐसा कोई सामाजिक तौर से हम उनकी डिटेल्स नहीं रखते हैं कि भाई जो ऑलरेडी इशू कम्युनल लाइंस पे होता है तो उसका सामाजिक डिटेल शेयर की जाए। जैसा कि आपने कहा कि मोनू मानेसर के जो समर्थक थे और लोकल लोगों में शुरू में झड़प हुई, तो क्या मोनू मानेसर भी उस वक्त प्रेजेंट थे? आपने ये बात करी नहीं, एज पर जो हमारी अब तक इन्वेस्टिगेशन है उस टाइम पर वो यहाँ मौके पर नहीं था। सर एक सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर डीसी साहब बता पाएं, सर ये सोशल मीडिया पर दो दिन से वीडियो वायरल था और फरीदाबाद से गुड़गांव से जो उसके समर्थक थे लगातार सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे बिल्डअप हुआ, तो आप लोगों ने कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया पहले? हम देखते हैं कि ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते आप लोग तो ये शायद ये स्थिति नहीं आती। नहीं, जैसा मेरे साथी नरेंद्र ने बताया कि ये जो शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, इसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं। इसमें जो है थानों के हिसाब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, पर्याप्त मात्रा में पूरे जो रूट है उस पर फोर्स लगती है, उसकी प्रिपरेशन में एक पीस कमेटी है, पीस कमेटी में जो है सभी समुदाय के लोग मौजूद हैं, सभी व्यक्ति आते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं, उसके हिसाब से हम जो अपनी व्यवस्था है उसमें थोड़ा टिंकरिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार की कोई जो है इशू पूरे इस पूरी प्रक्रिया में नहीं है। जैसे कि बताया कि बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था कि इस टाइप से फ्लेयर अप होगा, वो अचानक से जो है उस दिन मसला इतना फ्लेयर अप हुआ कि जो स्थिति हमारे सामने आई वो थोड़ी बेकाबू हुई कुछ समय के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस मोबिलाइजेशन में 5 जिलों से जैसे पुलिस आनी थी, पुलिस पहुंची यहाँ 3:30-4 बजे तक, और वो मोबिलाइज करके जो है फिर जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। कितने लोग इंजर्ड है सर? कितने लोग इंजर्ड है और अभी सिचुएशन क्या है? कल रात तक 60 लोगों की इंजरी की जो है रिपोर्ट थी हमारे मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे, उनमें सीरियस कोई नहीं था, सीरियस जो 3 थे वो पीजे रोहतक जो है रेफर कर दिए गए थे, कुछ एक आध उसमें डालता भी गया था। जैसा कि मैंने वहाँ पर हथियार है या ऐसी कुछ चीजें होने वाली है? नहीं, जैसा हमने पहले भी बताया कि ये यात्रा जो है हर साल होती है, ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों का फॉलो किया गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जांच का विषय है, उस पर हम अपनी जांच चल रही है। सर गोलियां चली हैं, बंदूकें चली हैं, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं आपके लोकल, आपके पास लोकल इंटेलिजेंस नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतनी बुरी हालत हो सकती है, तो लोकल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल आपके बड़ा फेलियर? और मैं बात तो सर पहले से फेमस है। देखिए, जो विशेषकर जो कारण है कि कहाँ से क्या क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें किसी ना किसी पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा फोकस किसी का ब्लेम गेम नहीं है, हमारा ये है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, ये कैसे शांति परमानेंट स्थापित की जाए, और जो लैप्सेस हैं और जो कहाँ हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए PHQ से स्वयं DGP महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। ADGP लॉ एंड ऑर्डर मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और DGP सर, ADGP CID सर, हर मामले की हर पहलू की जहाँ भी से भी लैप्स हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सर जनता के लिए एक सवाल, 144 का हटेगा और इंटरनेट का भी स्टोर होगा सर? देखिए, जैसे अभी सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आड़ में कोई ना कोई दोबारा से ना कर जाए, तो कुछ समय के लिए किया गया है, हमें एक बार हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दोबारा ऐसी नहीं कर सकते, तभी ही हम लोग इसको खोलेंगे, और जब हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हैं और जो पीस कमेटी और जो करी गई है उनका ग्राउंड पे क्या असर देखने को मिलता है, उसके बाद में हम हर 6 घंटे पे इसको सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम जल्दी खोल देंगे। नहीं, ऐसा हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया है, मुस्लिम कमेटी भी आई है, हिंदू कमेटी वाले भी कुछ में मौजूद थे लोग बाग,
और जो बाकी लोग हैं उनको हम अलग मीटिंग लेके कॉमन ग्राउंड तैयार करने के लिए पहले दोनों की अलग अलग मीटिंग करी है हमने, और फिर कॉमन ग्राउंड तैयार होते ही हम आज दोपहर तक और शाम को अगली मीटिंग्स हैं वो कॉमन ही मीटिंग होगी। सभी को विदेश के जिले में धारा 144 लगी हुई है, 20 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की आ चुकी हैं यहाँ पे, कर्फ्यू इज इन प्लेस, अभी शांति बनी हुई है। हमने अभी फ्लैग मार्च चल रहे हैं, हमने भी अभी फ्लैग मार्च किया है न्यू सिटी से लेके भटकली चौक से वापसी जो है आए हैं। पीस कमेटी की दूसरी मीटिंग है, एक हमने कल रात को की थी और एक अभी की है, तो इसको भी हम कंटिन्यूस बढ़ाएंगे। सर लोकल इंटेलिजेंस की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस जो है फेलियर हुआ है, जिस तरह से उस इलाके से जो यात्रा निकला, वैसे मानने कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की तरफ से जो इनपुट था कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पूरी तरीके से, जो एक शोभा यात्रा को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया ये यात्रा जो है देखिए हर साल निकाली जाती है इस प्रकार की जो है, और इस टाइप की और भी यात्राएं जो है साल में निकाली जाती हैं, कई दफ़े निकाली जाती हैं। उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि पुलिस बल जो है वो उस रूट पे लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं, उसकी प्रिलिमिनरी मीटिंग्स होती हैं, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है, मीटिंग्स होती है, कोई किसी को कोई समस्या रहती है, कोई अपना कोई पक्ष अगर रखना चाहता है तो वो रखते हैं। तो इस प्रकार की कोई वो नहीं थी, और जैसे फ्लेयर अप हुआ तो वो हम जाँच कर रहे हैं इस टाइप से क्या हुआ कि अगर किसी की शरारत रही है तो उसको हम पक्ष के भी लोग अभी आए थे क्या, सिर्फ मुस्लिम पक्ष के थे क्या, कोई और एक मीटिंग की कॉल की गई शाम? नहीं जी, दो हम एक दो ये मीटिंग जो हमारी दूसरी थी आज, कल दोनों समुदाय के जो लोग थे वो कल शाम की मीटिंग में थे, आज एक ये पहली मीटिंग है, कभी हम लंच के बाद भी करेंगे, तो उसमें जो है हम एक कॉमन ग्राउंड बनाएंगे ताकि जो है दोनों पक्ष के लोग आएंगे, नू में भी हिंदू समाज के लोग कल शाम को भी आए थे, कल शाम को हमारी पहली मीटिंग उसमें दोनों समाजों के लोग थे। सर सिक्योरिटी को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी है एक ऑफिशियली बता दीजिए, कितने हरियाणा पुलिस के जवान जो अदर डिस्ट्रिक्ट से बुलाए गए एक रफली सर? जी जी, ऑलमोस्ट 6 सीनियर IPS ऑफिसर्स जो जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनको यहाँ लगाया गया है, उसके साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात को भी जो है 12 बजे उन्होंने यहाँ मीटिंग ली थी, इसके साथ साथ हमारे PDGP CID साहब हैं, PDG लॉ एंड ऑर्डर हैं, IG रीच हैं, सभी यहाँ तैनात हैं, जिले में तैनात हैं। इसके साथ 5-6 जो हमारे संबंधित पुलिस ऑफिसर्स हैं जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगी है। सर इंटरनल इनपुट ये भी है कि लोग ऊपर से कह रहे हैं कि हाँ सब चीज़ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कल के इंसिडेंट को लेकर लोगों के मन में अभी भी बैठा हुआ, तो इसको लेकर कैसे आप दोनों पक्ष को लेकर फिर लाएंगे कि जिससे कि इलाके में अमन शांति हो? नहीं, वो हमारा प्राइमरी कंसर्न है जी, जैसे कि हम कम्युनिटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।